जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों आज हम बात करेंगे जो अभी आप कल लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं कि कहीं पर ये बहुत ज़्यादा लीक हुआ पेपर। और ये सत्यता भी है साथियों कि ऐसी बच्ची पकड़ी गई जैसे जिसका नाम था रितु सिंह, है ना, आपने देखा होगा कि उसे पूरी की पूरी चिट मिली हुई थी जिसमें पूरा का पूरा आंसर की छपा हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, ठीक है, बहुत जगह STF ने पकड़ा है, बहुत से बच्चे पकड़े गए हैं, बहुत से लोग पकड़े गए हैं ब्लू डिवाइस के द्वारा, या फिर ऐसे बच्चे पकड़े गए हैं जो कि किसी दूसरे की जगह एग्ज़ाम दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें हुई हैं साथियों, इनको अनदेखा नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता वो तो भविष्य ही बताएगा, ठीक है। मगर साथियों देखिए एक खबर छपी है आपके पेपर में कि इसका रिजल्ट अगले साल मार्च तक एकदम फाइनल रिजल्ट आएगा, तो इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। उसके पहले देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में हमने दिखाया था कि भैया कहाँ कहाँ क्या हुआ है, वो चीज़ आपको एक बार हम बता दें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में कि कब तक इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। देखिए साथियों जैसे आप देख सकते हैं इसमें लेखपाल भर्ती परीक्षा में सरगना, है ना, समेत 21 साल वर्ग गिरफ्तार, मतलब 21 लोग गिरफ्तार हुए, ब्लूटूथ डिवाइस इनसे मिली है। और दोस्तों इन्होंने पता क्या कि 10-10 लाख रुपए, ठीक है, ये देखिए 10-10 लाख रुपए पे डील हुई थी कि भैया 10 लाख में आपको हम लेखपाल बना देंगे। जैसे आपको पता 15 लाख में UPSI की डील होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि हर एक चीज़ का कीमत है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप दिन रात मेहनत करिए, ठीक है, पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, आराम से आप हो सकते हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब साथियों इसमें क्या सत्यता है वो वक्त ही बताएगा, ठीक है। महिला परीक्षार्थियों को नकल कराने समय हंगामा, ठीक, कराने पर हंगामा और प्रधानाचार्य समेत 9 पर केस, देख सकते हैं आप ये पूरा का पूरा, ये बहुत ज़्यादा कल से वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा, ठीक है, कि ये रितु सिंह, ठीक है, प्रयागराज में इसका सेंटर था, ठीक। और देखते हैं इसके साथ में चिट लगी हुई है, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इसको पूरा का पूरा आंसर सीट पूरी प्रोवाइड की गई थी ना, देख सकते हैं। और जो दोस्तों प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य हैं, का नाम उनका शबनम प्रवीण है, और उसका बेटा जो है दोस्तों वो इसमें लिप्त पाया गया है, ठीक है, और दोस्तों वो अभी गायब है, ठीक। तो ये सब देख सकते हैं आप कि क्लास 12 में, और जबकि पूरा CCTV भी लगा हुआ था, उसकी फुटेज खंगाली गई जिसमें पता चला कि हाँ ऐसा कुछ हुआ भी है, ठीक है। ये देखिए कि 24 मास्टरमाइंड और गिरफ्तार हुए हैं हर जगह, मतलब जो भी 12 जिलों में सेंटर बना था ना, हर जगह पकड़े गए, आप देख सकते हैं इनको, देख लीजिए सालवर गिरोह का सरगना प्रयागराज में बैठकर कानपुर और वाराणसी में करा था नकल, ये भी पकड़े गए, ठीक है। अब देखिए ये भी लेखपाल भर्ती में परीक्षा ब्लूटूथ से करवाई गई नकल, ये भी देख सकते हैं आप कि बहुत से बच्चों ने प्रदर्शन किया, और ज़रूरी भी है क्योंकि भैया देखिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, गलत हो रहा है कि भैया अगर देखिए ये ऐसे ही होता रहेगा ना तो आने वाले समय में साथियों फिर तो तैयारी करने कोई मतलब ही नहीं, पढ़ने पढ़ाने कोई मतलब ही नहीं, बस आप क्या करिए घर खेत बेच के आप अच्छे से 10 से 15 लाख रुपए इकट्ठे कर लीजिए, जिससे क्या हो कि आने वाली वैकेंसी में सही सेटलमेंट करके आप कहीं हो सके, ठीक है, पढ़ने का आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा चलता रहा, ठीक है भाई, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, ये हम नहीं, ये सबकी मांग है, ठीक है, हम तो चलिए ठीक है। आप देखिए जो बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं ना उनका दिल जानता है, ठीक, उनके घर वाले जानते हैं जब सिलेक्शन नहीं होता क्या होता उनके अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए उनके उसमें कमी नहीं है, ठीक, मेहनत में जब आपके हक का कोई छीन खा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। चलिए मैं दिखा दूँ इसके बारे में कि इसके रिजल्ट के बारे में क्या कहा गया, तो साथियों आप देख सकते हैं इसमें क्या कहा गया है कि आप देख सकते हैं इसमें कि रिजल्ट अगले साल मार्च तक, क्या लिखा है, है ना, ये लखनऊ से है, राजस्व लेखपालों के 8085 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को आयोजित की गई मुख्य परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम क्या होगा दोस्तों, अगले साल मार्च तक घोषित किए जाने की संभावना है। कब तक दोस्तों, अगले साल मार्च तक, ठीक है। हालांकि मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों का शॉर्ट लिस्टिंग अगले 3 माह में हो सकेगा, ठीक है। यानी कि देखिए सबसे पहले इसका आंसर की आएगा, ठीक है, आंसर की बहुत ही जल्द दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आंसर की देंगे, उसके बाद आप उसमें क्या करिए अगर कोई क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक, कुछ दिन का वो समय होगा, फिर उसके बाद दोस्तों ये अंदर ही अंदर इसका चलता रहेगा। और ये कह रहे हैं कि अगले साल मार्च तक दोस्तों इसका फाइनल वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये था जो न्यूज़ था, हमने आप तक शेयर कर दिया, ठीक है, आप तक शेयर कर दिया साथियों। और देखिए अगर इसमें कुछ हुआ होगा, धांधली हुई होगी दोस्तों, तो बहुत ही आपको बता दें इसकी बहुत ज़्यादा कटाव जाने वाले। देखिए जैसे कि UPSI में हुआ था ना कि बहुत बच्चे कह रहे थे सर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जब उनका रिजल्ट आया ना, जब कट ऑफ लगी ना, तो सबके होश उड़ गए,
ठीक है, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई थी। क्यों चली गई थी उसका रीज़न आप लोग जानते हैं। उसके बाद आपको पता है डीवी पीएसटी में बहुत से बच्चे पकड़े गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, वो बच्चे जिनके 115 प्लस थे, वो बच्चे करते फालतू में सब हो रहा है, जब उनका नहीं हुआ ना तो अंत में उनकी आंखें खुली थी, भैया हाँ सर हुआ है घपला, ठीक है। क्योंकि देखिए जिस बच्चे 115 थे ना, पहले उसको ज़्यादा हम तो 100% हो जाएंगे, ठीक है, फिर भी उसका नहीं हुआ, ठीक है। वो कह रहा था भैया ये सब जो हैं जिनके कम नंबर, वही केवल चिल्ला रहे हैं कि भैया ये रद्द करो, मतलब कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, हमारे 115 हमारा आराम से हो जाएगा। मगर जब उसे धक्का लगता है, जब उसका भी नाम उसमें नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि साथियों जब बच्चे 150 के ऊपर लिए बैठे हैं तो आपका नाम कहाँ से आएगा, ठीक है। तो यही होता धांधली में। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।